आज देख लो इसको, आज इसको डांट पड़ी है। मैंने डांटा है आज इसे, क्यों? ये बड़ी बहन बड़ी दीदी बन कर के और इसने दूसरे पेड़ों को छाया देने, दूसरे जो छोटे छोटे पौधे थे ना उनको छाया देने के चक्कर में अपनी ये हालत कर ली है। देख लो अभी इनके इसके अंदर खुद के अंदर कुछ नहीं बचा है, इसकी खुद की हालत देख लो ऐसी है जिसमें नाम मात्र के पत्ते बचे हैं। और ये दो बार ऐसा कर चुकी है, क्यों? क्योंकि इसको तो बड़ी दीदी बनना है, इसको तो ये कहना है कि नहीं मैं सबका ध्यान रख लूँगी, मम्मी आप मेरा ध्यान मत रखो। पहले भी इसकी हालत कैसी हुई थी पता है ना, जो मम्मी को कोरोना हुआ था इसने ही कहा मम्मी हम ठीक, आप जाओ नाना को बचाओ, नाना का ध्यान रखो, हम ठीक रहेंगे। तब भी इसकी हालत कैसी हुई थी देखा था ना, आज भी इसने अपनी हालत ऐसी कर ली, क्यों? धूप में खुद खड़ी रही जबकि मैं रोज़ हटाती, लेकिन इसने सारी बेलों को अपने साथ इस तरह से यूं यूं करके बांध रखा था। देखो कैसे, देखो इसकी टहनी कैसी हो रखी है, सबको बांध रखा था, खोलने ही नहीं देती थी। और आज जब खुद सूख गई तब देखो सारी बेलें सब छूट गई और ये अकेली रह गई, वो सब हरे हैं और ये बिल्कुल सूख गई। नहीं तो ये देखो ये सारी ये डालियाँ ये सब कितनी हरी थी, कितने बड़े बड़े पत्ते थे, सब ख़त्म कर लिए। किस लिए? उन सबको धूप से बचाने के लिए, और खुद धूप में रह गई। आज निकाला इसको, अलग किया उन सब से, इतने त्याग कौन करता है। वो सब तो हरे भरे रह गए और इसने अपनी सारी डालियां तोड़ ली। अब ऐसे में डांट नहीं खाएगी तो क्या करेगी? रोज रोज हटाने की कोशिश करती थी रोज कि ये सारी बेलों से हट जाए, अलग हो जाए, इसको धूप लग रही है, तेरे पत्ते पीले पड़ रहे हैं, देख तू कैसी हो रही है। लेकिन इतनी गुत्थी हुई थी उन सबसे, आखिर में जब खुद के पत्ते पीले पड़ गए, खुद सूख गई, वो बेलें तो झड़ गई अलग हो गई और ये खुद अकेली रह गई। मुझे कुछ करने की कोशिश कर रही है ना इस तरह से अपने पत्ते हिला के, मैं कुछ नहीं होंगी।